नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों जिन विद्यार्थियों के यहाँ पर DB और PST किसी कारणवश नहीं हो पाए थे, उनके अब यहाँ अलग से होने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर खुशखबरी है, जो कि यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस अपडेट किया गया है, उसमें यह सूचना दी गई है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको डायरेक्ट बताने वाले हैं और इसकी बिल्कुल पूरी डिटेल से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए आप हमारे साथ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल शिक्षा अकेडमी पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नया अपडेट आता है तो उसका पल पल की अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और UP+ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख लेते हैं जो यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट यहाँ पर हुआ है। दोस्तों, यह DB और PST से संबंधित है और उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका किसी कारणवश यहाँ पर DB और PST नहीं हो पाया है, उनका यहाँ पर होने वाला है। तो आखिर ये कब होगा और कहाँ से होगा, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो बने रहिए आप हमारे साथ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर ले चलता हूँ, देख लीजिए, यह है UP+ की ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों, इसमें जो ही जो नोटिफिकेशन यहाँ पर जो सूचना अपडेट की गई थी, यह दोस्तों 7 तारीख यानी कल रात में यह अपडेट की गई थी। दोस्तों, मैंने कल इसका वीडियो डाल तो दिया था, लेकिन इसको आपको डिटेल में नहीं समझाया था, तो इसलिए मैं आपको यह दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप इसमें बहुत अच्छे से समझ जाएँ कि आखिर यह किसका है और किसका फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। दोस्तों, बिल्कुल आप इस सूचना को हम डाउनलोड करके बिल्कुल डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके लिए बहुत ज़रूरी है सूचना है, क्योंकि दोस्तों आप कहीं DB या PST अभी तक भी नहीं हुआ है, तो आप बिल्कुल किस्मत वाले हैं कि ये यूपी बोर्ड दो सभी का यहाँ पर DB और PST करा रहा है, किसी के साथ भी यहाँ पर ना इंसाफ भी नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम आपको डायरेक्ट यह डाउनलोड करके भी बता देते हैं कि आखिर इसमें जो सूचना दी है भाई क्या दिया था। देखिए दोस्तों, यह जो नोटिफिकेशन है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर, तो दोस्तों यह डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड होने के बाद आप इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए, मैंने इसको डाउनलोड पहले कर रखा था, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब डाउनलोड हो चुकी है और यह ओपन भी यहाँ पर देख लीजिए हो चुकी है। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, ठीक है दोस्तों, यह आरक्षी पुलिस एवं आरक्षी PSC के पदों पर सीधी भर्ती 2018 से संबंधित अभ्यर्थियों हेतु यह सूचना प्रकाशित की गई है। दोस्तों, यह 7 जनवरी 2019 को यह सूचना जो है यह प्रकाशित की गई है। ठीक है, इसको बिल्कुल डिटेल से अपन इसको देख लेते हैं। दोस्तों, एक एक लाइन का आपको मतलब यहाँ पे बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है आरक्षी नगर पुलिस एवं आरक्षी PSC के पदों पर सीधी भर्ती 2018 के अंतर्गत अब तक संपन्न हुए अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान बोर्ड को प्राप्त हुए प्रकरणों के निर्देश अनुसार निरस्तीकरण प्रस्तावित है। ठीक है दोस्तों, जिन विद्यार्थियों के यहाँ पर कुछ भी कारणवश यहाँ पर DB या PST रह गए हैं, उनका यहाँ पर होने वाला है, तो बिल्कुल आप के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, देख लीजिए, ऐसे यहाँ पर पहला पॉइंट आप ध्यान से पढ़िए दोस्तों। ठीक है, पहला पॉइंट में लिखा है कि ऐसे विद्यार्थी जिनका यहाँ पर बायोमेट्रिक मिलान ना हो पाने के कारण, ठीक है, जिनका यहाँ पर बायोमेट्रिक या फिर अंगूठे का निशान जो आता है, यदि वो आपका नहीं हुआ है, उसकी वजह से आपका यहाँ पर जो DB और PST भाई रुका हुआ है, तो आप के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर खुशखबरी है। ठीक है, और आगे देख लीजिए, बायोमेट्रिक मिला ना होने के कारण या ऐसे अभ्यर्थी जिनका बायोमेट्रिक उपस्थित ही ना होने के कारण तथा ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्राकरण बोर्ड को संदर्भ किया गया हो, ठीक है, और जिनके कारण उपरोक्त अभ्यर्थियों की अभी तक अभी तक DB एवं PST की कार्रवाई नहीं हुई, यानी कि दोस्तों जिन विद्यार्थियों की अभी तक भी DB और PST की कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसे समस्त अभ्यर्थियों की DB और PST की कार्रवाई दिनांक 9 जनवरी को यहां पर होने वाली है। कब? 9 जनवरी को
होने वाली है। और दोस्तों यह कहाँ पर होने वाली है, तो दोस्तों यह बता लखनऊ की पुलिस लाइन में किया जाना प्रस्तावित है। कहाँ पर, लखनऊ की पुलिस लाइन में यह दोस्तों किया जाना प्रस्तावित है। कब, देखो 9 जनवरी को यह होनी है, और यह कहाँ पर होनी है, तो दोस्तों यह लखनऊ की पुलिस लाइन में यह किया जाना प्रस्तावित है। तो आप पुलिस लाइन लखनऊ पहुँच जाइए, ठीक है। और इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थियों की सूची एवं DBPST की तिथि की सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 8 जनवरी 2019 को प्रकाशित होगी, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसकी जो सूचना है वह आपको 8 जनवरी 2019 को बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगी, जहां पर आपको बिल्कुल जाकर चेक कर लेना है। बिल्कुल 12-1 बजे की समथिंग ये आ जाएगी। तो दोस्तों मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बस चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना है, ताकि जब भी मैं आपको सूचना दूंगा तो आप तक उसका नोटिफिकेशन भी आसानी से पहुंच सके, ठीक है। दोस्तों आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या लिखा है। आगे है, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपना अपना पूर्व में DB और PST हेतु निर्गम प्रवेश पत्र एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र, DB और PST हेतु आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति, प्रमाणित छाया प्रति के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होंगे। दोस्तों यह बोला कि जितने भी, जो पहले यदि आपको एडमिट कार्ड जारी हो गया, तो उस एडमिट कार्ड के साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएं, ताकि आपको कोई यहाँ पर दिक्कत ना आए, ठीक है दोस्तों। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, ऐसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण 26 दिसंबर 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक की DBPST में किन्हीं कारण से प्रतिभाग नहीं कर सके हैं, उन्हें अभ्यर्थियों की DBPST की कार्यवाही दिनांक 10 जनवरी 2019 से 12 जनवरी 2019 तक, या दोस्तों आगरा, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, नगर, झांसी, मेरठ, मुरादाबाद, शाहजहानपुर एवं मिर्ज़ापुर के परीक्षण केंद्र पर आयोजित की जाना प्रस्तावित है। दोस्तों ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनका यहाँ पर PST या फिर किसी किसी कारणवश नहीं हो पाया, वो भी 26 से 31 दिसंबर के मध्य, तो उनका भी यहाँ पर होने वाला है 10 जनवरी से 12 जनवरी तक। दोस्तों यह जो सेंटर दिए हैं, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, नगर, झांसी, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और मिर्ज़ापुर, यह यहाँ से इनका प्रस्तावित किया गया, यानी कि इनका यहाँ DB और PST यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। दोस्तों इन अभ्यर्थियों के जो एडमिट कार्ड होने वाले हैं, नए प्रवेश पत्र इनके डाउनलोड होंगे। तो इनके नए प्रवेश पत्र कहाँ से डाउनलोड होंगे, दोस्तों यह 9 जनवरी 2019 से यह बोर्ड की वेबसाइट पर उपस्थित होंगे, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षण केंद्र पर निर्धारित तिथि व समय पर प्रवेश पत्र व आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं प्रमाणित छाया के प्रति उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और दिए हुए सेंटर पर पहुंच जाएं, बिल्कुल देरी ना करिए, ठीक है। और दोस्तों इसमें सब में लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि आरक्षित श्रेणी के कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा बोर्ड में उपस्थित होकर इसे आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि उन्हें जाति निवास, देखिए जाति निवास प्रमाण पत्र होने के बावजूद आवेदन श्रेणी से परिवर्तन कर सामान्य श्रेणी में करते हुए DBPST की गई है, जिनके कारण वह असफल हो गए हैं। कुछ ऐसे अभ्यर्थी द्वारा भी शिकायत की गई है कि निर्धारित जाति प्रमाण पत्र होने के बावजूद उन्हें सामान्य श्रेणी में परिवर्तन करते हुए DBPST तथा PET की कार्रवाई की गई तथा वे PET में सफल हैं, और उनके द्वारा अपने ही श्रेणी में रखे जाने वाले अनुरोध किया गया है कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों के अभिलेखों की पुनः समीक्षा की जाएगी जाना प्रस्तावित है। इस संदर्भ में संबंधित अभ्यर्थियों की सूची एवं समीक्षा की तिथि भी सूचना की बोर्ड की वेबसाइट पर शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी। और अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपना पूर्व में DBPST हेतु निर्गम प्रवेश पत्र मूल प्रति एवं प्रमाणित छाया प्रति के साथ निर्धारित तिथि व समय पर यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। यानी कि दोस्तों जिन विद्यार्थियों के यहाँ पर कोई भी समस्या है जाति प्रमाण से रिलेटेड, वह भी यहाँ पर सुलझने वाली है, क्योंकि दोस्तों UP बोर्ड बहुत अच्छा आप कर रहा है, किसी के साथ भी यहाँ पर ना इंसाफी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने यह डिस्कस किया है कल का नोटिफिकेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी के लिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यह वीडियो अब यहीं पर होता है शाम, तो
यदि आपको वीडियो यह पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों किसी को अभी यह ऐसा हो सकता है किसी को इस सूचना का पता ना चले, दोस्तों उसको यदि पता चल जाता है तो हमारी जो मेहनत होती है वह उसमें सफल हो जाती है। और दोस्तों कुछ मित्रों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को कॉपी ना करें, वे लोग कुछ यहाँ पर कॉपी करके अपने चैनल पर अपलोड कर लेते हैं, तो उनसे प्लीज़ निवेदन है कि आप अपना वीडियो खुद स्वयं बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करें, हमारे जो वीडियो हम बनाते हैं इसको अपलोड ना करें, क्योंकि दोस्तों यदि मैंने आपको चैनल पर स्ट्राइक कर दी तो आपका चैनल जो है वह पूरी तरह से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा यूट्यूब की तरफ से। दोस्तों मैं आपको यह कहना चाहता हूँ प्लीज़ यूट्यूब के यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत लगती है, तो दोस्तों आप भी यह जानते हैं कि कितनी मेहनत यहाँ पर लगती है, तो आप बिल्कुल वीडियो को कॉपी ना करें, आप अपने चैनल पर वीडियो बनाने के लिए स्वयं वीडियो बनाएं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूँ, यदि मैंने एक इसे SMS कर दिया आपके चैनल के नाम पर और आपको यदि स्ट्राइक मैंने कर दी तो आपका चैनल बिल्कुल बंद हो जाएगा और उसमें कोई भी चेतावनी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों आपने एक नहीं बहुत सारे यहाँ पर जो वीडियो हैं वह अपलोड कर रखे हैं हमारे इस चैनल के। तो दोस्तों मैं चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाइए, आपने तो करते होंगे तो आप समझ जाएंगे आपकी बारे में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अब वीडियो यहीं पर होता है समाप्त, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने चैनल शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।